हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मकर संक्रांति स्पेशल तिल गुड़ के लड्डू। बहुत ही आसान तरीके से हम एकदम सॉफ्ट, नरम, मुलायम, सुपर टेस्टी, एकदम परफेक्ट हेल्दी लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम चीज़ों में बहुत ही आसान तरीके से एकदम परफेक्ट लड्डू आप बना सकते हैं। कई बार शिकायतें होती हैं हमें ये लड्डू बनाने में कि हमारे लड्डू बिगड़ जाते हैं, तिल के लड्डू कड़क हो जाते हैं, या फिर लड्डू बनाते समय जो तिल है बिखरने लगता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। जब आप इस तरीके से लड्डू बनाएंगे तो आपके एकदम परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सुपर टेस्टी एंड हेल्दी लड्डू बनाने के लिए हम यहाँ लेंगे तिल। तो तिल को मैंने यहाँ पर अच्छे से धो करके साफ़ कर लिया है, और इनको जो सूजी छानने वाली छलनी होती है उससे मैंने छान लिया है, जिससे इसमें बारीक कंकड़ वो निकल जाए, और इसको अच्छे से हमने साफ़ कर लिया है। यहाँ मैंने तिल 500 ग्राम लिया है, तो इसको हम कढ़ाई में डालेंगे। तो यहाँ मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है, और गैस को हमें लो फ्लेम पर रखना है, और सारा तिल हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसे हम लो फ्लेम पर भून लेंगे। लगातार चलाते हुए हमें इसे भून लेना है। जब तिल अच्छे से भून जाते हैं तो एकदम फूले फूले हो जाते हैं, और अच्छी सौंधी सौंधी सी इसमें खुशबू आने लगती है। तो इसी तरह से हम लगातार चलाते हुए सभी तिल को अच्छे से भून लेंगे। भूनने से इनका कच्चापन खत्म हो जाता है, और साथ ही बहुत ज़्यादा टेस्टी ये हो जाते हैं। तो ये देखिए, मुझे यहाँ लगभग 15 से 20 मिनट लगे हुए हैं। लो फ्लेम पर मैंने अच्छे से तिल को भून लिया है। तो इन्हें हम एक थाली में या प्लेट में निकाल लेते हैं। अगर आपको समझ में ना आए कि तिल कैसे भुनेंगे तो आप यहाँ थोड़े से तिल टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट से पता चल जाएगा कि ये अच्छे से भुन गए हैं। तो इसमें से हम 2 चम्मच तिल निकाल कर अलग रखेंगे और इनको ठंडा करेंगे। इसका क्या करना है ये मैं बाद में बताऊंगी। चलिए हम लड्डू बनाने की आगे तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है गुड़। तो गुड़ हमें यहाँ 400 ग्राम लेना है। आप यहाँ कोई भी गुड़ ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम तिल लिया है, तो उसके हिसाब से 100 ग्राम कम, मतलब 400 ग्राम गुड़ लिया है। आप चाहे तो दोनों चीज़ों को बराबर मात्रा में रख सकते हैं, या फिर तिल से कम गुड़ ले सकते हैं, पर हमें जितना हमने तिल लिया है उससे ज़्यादा हमें गुड़ नहीं लेना है। तो यहाँ पर गुड़ को हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, बारीक कर लेंगे, जिससे हम चाशनी बनाएंगे तो गुड़ आसानी से मेल्ट हो जाए। तो इस तरह से मैं सभी गुड़ को बारीक कर लूँगी। तो मैंने यहाँ 400 ग्राम गुड़ लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह पर दोनों चीज़ों को बराबर रख सकते हैं। इस तरह से हमें गुड़ को बारीक कर लेना है। अब यहाँ पर गैस पर हम वापस से कढ़ाई रखेंगे। गैस का फ्लेम हम ऑन कर देंगे, गैस को लो फ्लेम पर रखेंगे, और इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। घी डालने से हमारे जो तिल गुड़ के लड्डू हैं एकदम सॉफ्ट बनेंगे, नरम मुलायम बनेंगे। अब इसके बाद हम गुड़ डालेंगे, तो सारा गुड़ मैं यहाँ डाल दूँगी। साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच पानी। बस हमें पानी इतना ही डालना है, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना, नहीं तो हमें चाशनी को बहुत ज़्यादा पकाना पड़ेगा और इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, फिर हमारे लड्डू अच्छे नहीं बन पाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा लड्डू को बनाने में, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ 2 चम्मच ही पानी डालेंगे। इतना पानी काफ़ी है हमारे लड्डू बनाने के लिए। तो हम गुड़ को मेल्ट होने देते हैं। जब तक हमने जो तिल अलग निकाले थे 2 चम्मच, वो ठंडे हो गए हैं। तो इनको हम मिक्सर जार में डालेंगे और इनका दरदरा पाउडर बना लेंगे। तो इस तरह से मैंने इनको मिक्सर में पीस लिया है। अब यहाँ पर हमारा गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है। तो ये देखिए, सभी गुड़ हमारा यहाँ अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कि हमारी जो चाशनी बनी है लड्डुओं के लिए एकदम परफेक्ट है या नहीं। तो इस तरह से एक कटोरी में हम पानी लेंगे और इसमें कुछ बूंदें चाशनी की डालेंगे, गुड़ की। तो ये देखिए, ये कटोरी में नीचे जा कर के पानी में फैल गई हैं। इस तरह से आप चेक करें,
तो अभी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है गुड़, तो बिल्कुल भी अभी ये चाशनी परफेक्ट नहीं है, तो हम इसको 1 से 2 मिनट और लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो लगातार चलाते हुए हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे। आप चाहे तो इसमें फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाल सकते हैं या फिर इसमें आप सौंठ भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि तिल के लड्डू ऐसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए मुझे 2 मिनट हो गए हैं तो इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जो मैं चाशनी की बूंदें पानी में डाल रही हूँ तो एक ही जगह इकट्ठी हो रही हैं, और अब इसको हाथ से भी दिखाती हूँ मैं। ये देखिए यहाँ हमारी चाशनी एकदम परफेक्ट बनी हुई है। अब ये सॉफ्ट नहीं है, लड्डू बनने के लिए एकदम परफेक्ट तरीके से हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए आप इस तरह से जब चाशनी को पकड़ के इस तरह से खींचेंगे तो ये तार जैसी बनेगी, तो इस तरह से हमें चाशनी बना लेनी है। तो हमारी यहाँ चाशनी एकदम परफेक्ट है। तो गैस का फ्लेम हम यहाँ पर ऑफ कर देंगे और इसमें डालेंगे 2 पिंच बेकिंग सोडा। इससे हमारी जो चाशनी का कलर है वो एकदम गोल्डन लाइट हो जाएगा, डार्क नहीं रहेगा, और हमारे जो लड्डू हैं एकदम सॉफ्ट बनके तैयार होंगे। तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर ऑफ कर दिया है। अब हमें इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है, तो जो तिल हमने भून कर रखे थे वो सारे तिल हम इसमें डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे हमारा गुड़ की चाशनी और तिल अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हमें इस तरह से मिक्स करना है। अब यहाँ ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो जो हमने तिल का पाउडर बना के रखा था वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये आपको जल्दी जल्दी करना है, हमारा जो मिक्स है ठंडा नहीं होना चाहिए। इस तरह तिल को पाउडर बनाकर डालने से क्या होगा कि हमारे जो लड्डू हैं बहुत ही अच्छे से शेप में बनकर तैयार होंगे, एकदम गोल शेप में लड्डुओं की तरह बनकर तैयार होंगे, और साथ ही एकदम सॉफ्ट बनेंगे। और जो लड्डू बनाते समय क्या होता है, तिल हाथों में लग जाता है या फिर लड्डू बनाते हुए तिल बिखरने लगता है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारे एकदम परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो आपको यहाँ लड्डू बनाते समय जब मिक्स अच्छे से सभी चीज़ें मिक्स हो जाएँ तो आपको हल्का सा हाथों में पानी लगाना है और इस तरह से लड्डुओं को बना लेना है। बहुत ही आसानी से लड्डू बन जाते हैं। लड्डू बनाते हुए अगर मिक्स ठंडा हो जाए और आखिरी में लड्डू ना बने तो आप क्या करें, गैस पर 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर मिक्स को रखें और हल्का सा गर्म करें, तो गुड़ मेल्ट हो जाएगा और वापस से हमारे लड्डू एकदम परफेक्ट तरीके से अपने शेप में बनने लगेंगे। तो इस तरह से आप सभी लड्डू बना लीजिए। तो मेरे यहाँ सभी लड्डू बन गए हैं, आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट एकदम गोल मटोल लड्डू बने हुए हैं, अपने परफेक्ट शेप में बने हुए हैं और कितने सुंदर दिख रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट बने हुए हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी। जिस तरह हम तिल का थोड़ा सा पाउडर बना के डालते हैं तो इससे हमारे लड्डुओं का टेस्ट 2 गुना बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत ही प्यारी इसमें तिल की खुशबू आने लगती है। तो ये देखिए हमारे एकदम परफेक्ट सॉफ्ट लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। इस तरह से आप जब तिल गुड़ के लड्डू बनाएंगे तो आपको इन लड्डुओं को बनाते समय कोई भी शिकायत नहीं होगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आज की तिल गुड़ की लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।